Hi dear students, good morning. I will teach today lesson 2, the judgment seat of Vikramaditya. Question answer. In this time I will teach 2 question answer. So please listen to carefully and write down in your copy and learn it. So who was Vikramaditya? Why did guilty tremble before him? Vikramaditya कौन थे और दोषी उनके सामने आने से क्यों कांपते थे? आने पर क्यों कांपते थे? The name of Vikramaditya is famous in Indian history. विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है. He was the king of Ujjain. वे उज्जैन के राजा थे. The Vikram Sambat starts from him. विक्रम संबत उन्होंने ही आरंभ किया था. About 58 ईस्वी से. He is famous for justice and learning in his court. वह बहुत प्रसिद्ध थे न्याय के लिए अपने दरबार में. इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. यह कहा गया है कि वह भारतीय इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे. दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाई बाय द वे ही सॉल्व देम. जो भी कोई उनके दरबार में आता था कोई परेशानी समस्या लेकर के, उन्हें हमेशा वे सेटिस्फाई करके उनके समस्या का समाधान करके ही भेजते थे. ही वॉज नेवर डिसीव्ड. उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर. दोषी कांपते थे. बिफोर हिम फोर उनके सामने आने से पहले. दे न्यू वे जानते थे. दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट. वे जानते थे कि उनकी आंखें जो हैं सीधे उनको पकड़ लेगी, दोषी को पकड़ लेगा. तो इस तरह से दोषी जो है उनके सामने आने से कांपते थे. वॉट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड द किंग ऑफ उज्जैन डिसाइड टू डू आफ्टर ही हैड हर्ड द. उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य के बाद जो हुए थे बहुत वर्ष बाद, तो उसने क्या निश्चय किया? डू आफ्टर ही हैड हर्ड, जब सुनने उसने सुना इस कहानी को, जो चरवाहे थे वो न्याय करता था, इस कहानी को उन्होंने सुना तो उसने क्या निश्चय किया उज्जैन के राजा ने? इसका आंसर है द विलेज बॉयज नोटिस्ड. विलेज बॉय गांव के लड़के जो थे उन्होंने नोटिस्ड किया दैट द बॉय हु सैट ऑन द मुंड. वह लड़का जो टीले पर बैठता था एंड बिकम ग्रेव एंड सीरियस और बहुत ही गंभीर और धैर्यवान हो जाता था. हिज टोन एंड मैनर्स वर चेंज्ड. उसके विचार और वाणी बिल्कुल अलग हो जाते थे. दे ब्रॉड देयर केसेस. वे उनके लिए बहुत सारे केसेस लाते थे बिफोर हिम उसके पास. एंड वर सेटिस्फाइड विद हिज जजमेंट. और वह अपने न्याय से सबको संतुष्ट करता था. वर पुट बिफोर हिम ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड. धीरे धीरे यह समाचार जो है देश के विभिन्न भागों में फैल गई. किंग ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के राजा थे, आल्सो हियर द स्टोरी. उसने भी इस कहानी को सुना. ही डिसाइडेड टू डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट.
उसने उस जजमेंट सीट को ही खोदने का निश्चय किया। ही वॉन्टेड टू सीट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस। उसने चाहा कि उस सीट को उठवा करके वहां से ले आए और मैं उस पर बैठ करके सारी समस्याओं का, सारे केसों का हल करूंगा। तो इस तरह से उसने उस जजमेंट सीट को ही वहां से उखड़वा देता है और अपने राज्य ले जाता है। मैंने स्टोरी में बताया था कि किस तरह से देवदूत निकलते हैं उस सिंहासन से और एक एक करके प्रश्न पूछते हैं, फिर कहते हैं 3 दिन आप व्रत रहिए, 3 दिन फास्ट रहिए, ऐसा कहते कहते लास्ट में एक दिन वो आता है जब एक ही देवदूत शेष रह जाता है और वह उस देवदूत के प्रश्नों का उत्तर राजा नहीं दे पाता है। देवदूत उस सीट को लेकर के फिर दोबारा आसमान में उड़ जाता है, दोबारा फिर नहीं आता है। तो ये कहानी थी, ये 2 क्वेश्चन हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, बाकी आगे कल कराऊंगा। प्लीज इसको लिखेंगे और ध्यानपूर्वक इसको फेर में लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।